नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारी जो एनसीआरटीसी है, ये 3 आरआरटीएस कॉरिडोर्स को इंप्लीमेंट कर रही है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। हालांकि एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो दिल्ली से लेकर मेरठ वाला जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, इसी का काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद ये करी जा रही है कि मार्च 2023 तक 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन है जिसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो इतना फास्ट काम देखकर और इतना अच्छा प्रोजेक्ट देखकर काफ़ी सारी अलग अलग स्टेट्स हैं जो कि अब अट्रैक्ट हो रही हैं आरआरटीएस कॉरिडोर की तरफ में, और वो लोग भी अपनी स्टेट के अंदर आरआरटीएस कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि रिसेंटली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो स्टेट्स हैं, इन्होंने भी अपनी स्टेट के अंदर आरआरटीएस कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग करी है। एट प्रेजेंट यहाँ पर 2 कॉरिडोर जो है ये प्लान किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला कॉरिडोर जो है ये हैदराबाद से लेकर वारंगल के बीच में बनाया जाने वाला है जो कि तेलंगाना के अंदर ही आता है, और दूसरा कॉरिडोर जो है ये हैदराबाद से लेकर विजयवाड़ा के बीच में बनाया जाने वाला है। तो यहाँ पर जो हैदराबाद है ये तेलंगाना के अंदर है, बाकी जो विजयवाड़ा है ये आता है हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों ही स्टेट जो है ये मिलकर आरआरटीएस कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आरआरटीएस कॉरिडोर जो होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, रिलायबल होता है और ये पैसेंजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, और लॉन्ग रूट्स के ऊपर आरआरटीएस कॉरिडोर जो है ये काफ़ी ज़्यादा फिजिबल माना जा रहा है, और इसलिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अब आरआरटीएस कॉरिडोर को प्रेफर कर रही हैं और इनको बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। मेट्रो से और इंडियन रेलवे से ये बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इसकी एक अलग पहचान जो है ये बनकर आ रही है, और आने वाले टाइम में इंटरसिटी मॉडल के रूप में ये हम लोगों को अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं, इसीलिए इसको लेकर अभी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं ये बहुत ही जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए, और एक बार सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद में ये लोग अलग अलग स्टेट्स के अंदर, यानी कि जैसे केरला हो गया, उड़ीसा हो गया और बाकी जो अदर यहाँ पर हमारे स्टेट्स हैं, इनके अंदर ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन सभी को स्टडी करने वाले हैं, और एक बार सारी स्टडी पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाती है उसी के बाद में ये दोनों कॉरिडोर जो हैं आरआरटीएस के, इनको आगे बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों, एट प्रेजेंट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये 2 आरआरटीएस कॉरिडोर्स को बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें से पहला कॉरिडोर हैदराबाद से लेकर वारंगल और दूसरा कॉरिडोर हैदराबाद से लेकर विजयवाड़ा के बीच में बनाया जाएगा। इन दोनों ही कॉरिडोर्स को इसलिए प्रेफर किया गया है क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर्स का जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों, ये जो प्रपोज्ड आरआरटीएस प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंटेंसिव है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा, साथ ही साथ में इसके अंदर एक्सटेंसिव इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी के बाद में यहाँ पर इसका जो अप्रूवल रहता है ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि दोस्तों, एक बार रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद में यहाँ पर एलोकेशन ऑफ फंड जो है वो हो जाएगा और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को शुरू किया जा सकता है। एट प्रेजेंट यहाँ पर 3 आरआरटीएस कॉरिडोर जो है ये एनसीआरटीसी ऑपरेट कर रही है या फिर इनको बना रही है, और ये एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का। तेलंगाना जो है वो भी एक सिमिलर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की प्लानिंग कर रही है एनसीआरटीसी जैसे, जिसकी मदद से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से फंडिंग ले पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी हैदराबाद के अंदर भी हम लोगों को ये आरआरटीएस कॉरिडोर जो है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता हुआ दिख जाए। पर्टिकुलरली आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आरआरटीएस कॉरिडोर बन रहे हैं अलग अलग जगह पर, इनका आगे जाकर क्या फ्यूचर रहेगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर से बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों, अभी से ठीक आधे घंटे बाद में अपने दूसरे चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो आने वाली है, तो उसको भी जाकर जरूर से देखिएगा। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टाइटल में मेंशन आप लोगों को दिख जाएगी ब्लू कलर में, तो आप लोग वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।